अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके नर्सरी क्लास, हम अपनी नोटबुक कैसे रेडी करेंगे? आज हमने इंग्लिश का वर्क करना है, तो ध्यान से देखिए हमने कैसे रेडी करनी है। पहले हम लिखेंगे डेट, डे लिखेंगे, ट्यूसडे, उसके साथ कॉमा लगाकर लिखेंगे डेट 14th April 2020। फिर लास्ट पर हम लगाएंगे फुल स्टॉप और कॉर्नर पर लिखेंगे CW, क्लास वर्क। नीचे वाली लाइन पे हम लिखेंगे टॉपिक, राइटिंग A to L। ओके, अब हमारी इंग्लिश की नोटबुक की 4 लाइंस होती हैं। अब हम 4 लाइंस को इनका नेम बनाएंगे, नेम देंगे इनको। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। ओके, अब हमने क्या करना है, ये डॉट आपके सामने लगा हुआ है, थर्ड लाइन का जो डॉट है उस पर पेंसिल रखकर फर्स्ट लाइन के डॉट से मैच करके पेंसिल नहीं उठाएंगे, इसी तरह थर्ड लाइन के डॉट पे फिर मैच करेंगे और इसको लाइन को इसके साथ मैच कर देंगे। तो ये क्या बन गया, कैपिटल A। ओके, नेक्स्ट है स्मॉल A लिखना है हमने। सेकंड लाइन के डॉट पे पेंसिल रखकर ख बनाएंगे, पहले हाफ सर्कल थर्ड लाइन पे लेकर आएंगे, डॉट के साथ मिलाया और फिर सेकंड लाइन की डॉट से मिलाकर ओवरलैपिंग करते हुए हल्का सा इसकी टेल बना देंगे। तो ये क्या बन जाएगी, स्मॉल A, क्या बन जाएगा ये, स्मॉल A। ओके, व्हाट कम्स आफ्टर A, बी, व्हाट कम्स आफ्टर A, बी। फर्स्ट लाइन पे पेंसिल रखकर थर्ड लाइन पर स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, फिर दोबारा से ऊपर फर्स्ट लाइन के डॉट पर जाकर लाइन के साथ टच करते हुए एक बैली, सेकंड लाइन पे फिर इस तरह ओवरलैपिंग करते हुए थर्ड लाइन पर दूसरी बैली। तो ये क्या बन गया, बी। ओके, अब इसके साथ हम क्या लिखेंगे, स्मॉल बी। फर्स्ट लाइन पे पेंसिल रखकर ध्यान से देखिए नर्सरी क्लास, थर्ड लाइन तक स्ट्रेट लाइन लगाई, पेंसिल नहीं उठाएंगे, डॉट से मिला लिया हमने, अब ऊपर चले जाएंगे ओवरलैपिंग करते हुए सेकंड लाइन पर आगे, फिर सेकंड लाइन से आगे की तरफ बैली बनानी है, थर्ड लाइन पे मैच किया और डॉट से बना दिया। तो ये क्या बन गया, स्मॉल बी। ओके, व्हाट कम्स आफ्टर बी, सी। ओके जी, फर्स्ट लाइन के डॉट पे पेंसिल रखकर पीछे की तरफ इसको हाफ सर्कल किया, थर्ड लाइन पर आए और डॉट से मिला दिया, तो ये क्या बन गया, कैपिटल सी। केस के साथ हम क्या लिखेंगे, स्मॉल सी। सेकंड लाइन के डॉट पर पेंसिल रखकर पीछे की तरफ हाफ सर्कल और फिर थर्ड लाइन से डॉट से मिला दिया, तो ये क्या बन गया, स्मॉल सी। ओके जी, व्हाट कम्स आफ्टर सी, डी। फर्स्ट लाइन के डॉट पर पेंसिल रखकर थर्ड लाइन के डॉट से मिलाया, फिर फर्स्ट लाइन के पेंसिल रखेंगे डॉट पे और आगे की तरफ हाफ सर्कल बनाते हुए थर्ड लाइन पर आए और डॉट से मिला दिया, तो ये क्या बन गया, कैपिटल डी। कि अब देखें आपने स्मॉल डी कैसे लिखना है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और ये फोर्थ लाइन। अब ये जो सेकंड लाइन पे डॉट है इस पर हमने पेंसिल रख के पहले हमने स्मॉल ख बनाना है, स्मॉल ख बना लिया, अब मैंने पेंसिल नहीं उठानी, इसी तरह ऊपर सेकंड डॉट से मिलाया फिर फर्स्ट लाइन पर ले गई मैं और अब फिर ओवरलैपिंग करते हुए थर्ड लाइन पे लेकर आई और हल्का सा टर्न कर दिया, तो ये क्या बन गया, स्मॉल डी। ओके नर्सरी क्लास, ये राइट है, अगर आप ऐसे करोगे, ऐसे लिखकर और फिर डी बनाओगे तो ये रॉन्ग है। ओके,